जिला कुल्लू में जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन द्वारा जहां पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, वहीं अब जिला के विभिन्न स्लम एरिया में जाकर गरीब लोगों को गर्म वस्त्र भी बांटे जा रहे हैं ताकि कड़ाके की इस ठंड में उन्हें न रहना पड़े। जिला कुल्लू के भुंतर में भी स्लम एरिया में विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी व जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान द्वारा जरूरतमंद असहाय लोगों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए। जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के राष्ट्रीय सलाहकार व विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अनिल गोयल ने इस अवसर पर मुख्य रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी व फाउंडेशन असहाय लोगों की मदद के लिए प्रयासरत है और फाउंडेशन पूरे भारत के 21 राज्यों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। आज जो है विश्वास एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी और जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान द्वारा ये गरीब जो लोग हैं इनको कपड़े वितरित किए हैं। हमारी जो जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन और विश्वास एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है, ये निरंतर पिछले कई वर्षों से जो है असहाय लोगों की मदद करती आ रही है। हमें जिस भी तरह की कहीं भी किसी भी तरह की लोग जो जरूरतमंद लगते हैं, हम उनको हमारे जो जनसेवक है, जन सेविकाएँ हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो घर घर तक पहुँचते हैं और उनको जिस तरह की भी मदद की जरूरत होती है, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी यथासंभव सहायता करने का कोशिश करते हैं और कोशिश उसमें हर संभव सहायता देते भी हैं। फाउंडेशन एक समाज सेवी संगठन है जो कि पूरे देश भर में समाज सेवा का कार्य कर रहा है। इसमें हम नशा निवारण, गरीब असहाय पीड़ित, पौधारोपण, मेडिकल से रिलेटेड और कहीं भी कोई भी समस्या आती है उनका समाधान करते हैं। और आज हम जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन की तरफ से गर्म कपड़े भी प्रदान किए। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।